धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अमित सिन्हा ने 8 लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा ठोका है। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर शिकायत बाद संख्या 13489 2022 में अधिवक्ता अमित सिन्हा ने कुर्मीडीह निवासी रंजीत कुमार साव, भरत लाल महतो, शत्रुघ्न महतो, चेतन प्रसाद साव, लालचंद साव, धैया निवासी वीरेंद्र कुमार, अंगार पथरा निवासी देवेंद्र कुमार सिंह और रविंद्र कुमार सिंह को आरोपी बनाते हुए आरोप लगाया है कि जब वह शाम 6:15 में अपने गाड़ी से मेमको मोड़ होते हुए अपने घर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनकी जमीन की बाउंड्री को उपरोक्त लोग सावल से तोड़ रहे थे। जब उन्होंने बाउंड्री तोड़ने से मना किया तो उन लोगों ने लोहे के रट से उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। किसी तरह जान बचाकर वो अपनी कार में बैठे, तभी सभी आरोपियों ने उनके कार को रट से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। बरवड्डा थाना में जाकर इसकी सूचना दी, तब जाकर उनकी जान बची। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी मां के नाम से अर्जित की गई संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। सिन्हा ने आरोप लगाया है कि उनके विरुद्ध आपराधिक मामले अदालत में दर्ज है। मामले की शिकायत झारखंड के DGP, IG व SSP को भी की गई है। सिन्हा, मेरे पे कुछ भू माफियाओं ने 3 दिसंबर 2022 को संध्या 6:15 मेरे पे हमला किया है। ठीक है, कुर्मीडीह मौजा में मेरी माँ के नाम से ज़मीन है, जिसका जो 5 कट्ठा है, जिसकी प्लॉट संख्या 1838 और 1839 है। 3 तारीख की शाम 6:15 जब मैं असरफी से मेमको मोड़ होते हुए अपने घर जा रहा था, तो मैंने देखा कि सभी भू माफिया, जिनका नाम है रंजीत कुमार साव, वीरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार सिंह, रविंद्र कुमार सिंह, भरत लाल महतो, शत्रुघ्न महतो, चेतन प्रसाद साव और लाल चंद साव एवं 10 से 15 अनजान अभियुक्त थे, जो कि सामल से मेरी बाउंड्री को तोड़ रहे थे। जब मैंने उन्हें मना किया तो वो लोग लोहे के सामल से मेरे पे हमला कर दिए। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी ये गाड़ी, इसके अंदर बैठा, गाड़ी को लॉक किया अंदर से। वो लोग आए और सामल नीचे से लगा के मेरी गाड़ी को पलटना चाहें। जब मैं गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो लोग सांबल से मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, आगे से भी सांबल घुसाए हैं, गेट का लॉक भी तोड़ना चाहे हैं। ठीक है, जिसके बाद मैंने 9 तारीख को SSP धनबाद, DGP झारखंड, IG झारखंड आवेदन दिया हूँ और आज कोर्ट में केस फाइल भी किया हूँ। ठीक है, क्या पुरानी दुश्मनी है कुछ, क्या क्यों कर रहे? पुरानी दुश्मनी कुछ नहीं है, ये लोग भू माफिया हैं। ये आपका, मेरा, इसका, उसका जमीन को कब्जाते हैं, गलत ढंग से पैसा अर्जन करते हैं और साथ ही मेरे से 30 लाख रुपया का रंगदारी भी मांगा गया है।